अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमान और आप देख रहे हैं FSD प्लस टीवी 24। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ असल हकायक बयान करने जा रहा हूँ मियां वाली वाक्य के हवाले से, जो कि असल हकीकत आपको नहीं बताई जा रही। आज की इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ असल हकीकत आपके साथ बयान करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कीमती टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एक अथेंटिक न्यूज़ मिलेगी और जो बेबुनियाद खबरें हैं उनकी कमर भी टूट जाएगी। तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों में लाने तौर पर शेयर करना है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस कहानी का बैकग्राउंड बता दूँ, ताकि आप लोगों को ये जो वाक़ है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो मियाँ वाली एक शहर है पाकिस्तान का, आपको बताया कि जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हलका भी है। तो वहाँ पर एक बाप ने अपनी 7 रोज़ की बेटी को गोलियों से छली करके उसको शहीद कर दिया, इस वजह से कि उस बाप के घर में बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, बेटी क्यों पैदा हुई है। अब आप लोगों को यहाँ पर उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, यंग है, तकरीबन कह लें कि 20 से जो है 25-28 के दरमियान उसकी जो है उम्र है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो जैसे ही उसने ये हरकत की, इसके बाद फौरन ही वो फरार हो गया मौके से। तो वहाँ पर जो है उसके घर वालों ने फौरी तौर पे पुलिस में रिपोर्ट की, यानी कि FIR दर्ज करवाई। पुलिस भी जो है तब जो है इतना ज़्यादा जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही थी, यानी कि मुलज़म जो है वैसे ही वो मतलब के सरेआम फिर रहा था। इसके बाद जो है ये जो वाक़या है ये सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। तकरीबन जो है पाकिस्तान के अलावा बाकी जितने भी कंट्री वहाँ पर भी लोगों ने इसे देखा और उन्होंने भी गुस्से का इजहार किया। जिसके बाद जो है 4 रोज़ के बाद ये जो कातिल बाप है इसको पुलिस ने पकड़ा और इसको जो है हवालात में बंद कर दिया। शुक्र है अल्लाह का कि ये जो कातिल बाप है ये पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है और ये अब जेल की सलाखों के पीछे है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी आप लोगों को तलाश है, जो कि आप जानना चाह रहे हैं। अब पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है, पुलिस के आला अफसरान का उस प्रेस रिलीज में ये कहना है कि इस कातिल बाप को अदालत से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी, जो कि पाकिस्तान के कानून में और पाकिस्तान के आइन में है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं जिसमें आप लोगों को गलत मिसगाइड किया जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने आपको अथेंटिक न्यूज़ बता दिया, ये जो मैंने आपको वाकया बताया ये बिल्कुल रियल और सच है। तो जो फेक खबरें आपको सुनने को मिल रही है कि इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर पर आ रहे हैं मियाँ वाली और वहाँ पर जो है उस कातिल बाप को सजा फांसी देंगे, और इसके अलावा जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनका भी बयान सामने आ गया है, डॉक्टर जाकिर नाइक का भी आ गया है, मौलाना तारिक जमील का बयान सामने आ गया है। अब इस मुलज़म को जल्द से जल्द फांसी दी जाएगी, मियाँ वाली में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। तो ये ऐसी जो खबरें हैं वो सारी की सारी फेक हैं, उन पर आप लोगों ने बिल्कुल कान नहीं धरने, ठीक है। जो अथेंटिक न्यूज़ थी, जो रियल न्यूज़ थी, जो रियलिटी थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और मैं देखूंगा कि रियल जो खबर है, जो अथेंटिक खबर है, उसको कितने लोग शेयर करते हैं। और बुरी खबरों को तो आप लोग शेयर कर देते हैं, लेकिन आज मैं देखूंगा कि आप अथेंटिक न्यूज़ को कैसे कितना शेयर करते हैं। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 100 लाइक टारगेट्स होगा, उम्मीद है कि आप कंप्लीट करवा दोगे। और बाकी जो ऑफिशियल न्यूज़ होगी वो हम जो है पुलिस स्टेशन रब्ता कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई अथेंटिक न्यूज़ मिलेगी वो भी मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा।